अरे हजरात, मैं देखिए हजरात, हजरात मोहतरम, आज के इस मुशायरे की पूरी कामयाबी का सिरा आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि सिर्फ रईस अंसारी साहब की, इन्होंने अपने ऐसे धौं जमा जमा के शायरों को और आपको भी कंट्रोल रखा। तो मैं चाहता हूँ दो शेर ये खुद अपने पढ़ के फिर वसीम भाई। चलिए देखिए हजरात, ये जब इमरान प्रताप बड़ी पढ़ रहे थे, अगर उस वक्त आप अपने ऊपर काबू कर लेते तो ये बशहरी की नौबत रहा थी, लेकिन आप बेकाबू हो गए। लेकिन ये तो ये बशहरा था राहत कौरी और प्रोफेसर वसीम बरेलवी, और लोगों ने कहा था कि ये बशहरा जो है वो इमरान प्रताप बड़ी होंगे तो जाहिर लड़के काबू में नहीं आएंगे। मैंने ये कहा था कि ये लखनऊ है और रईस अंसारी उस तरह का शायर नहीं है कि कुरान माया वत शौरा या तबे मुल्क आऊं। रईस अंसारी 15 बरस की उम्र में उर्दू के लिए इसी शहर से मरणबंक पे बैठा था और जेल गया था। रईस अंसारी उनमें है जो तहरीक के बदे साबा में जो आज शिया सुन्नी इत्तेहाद हुआ है, रईस अंसारी के दस्तखत पर उसमें मौजूद। मैं अमली तौर पर शायर हूँ, उस तरह का खाली अफवाहें और गुफ्तगू करने का आदि नहीं हूँ। जब मैंने कह दिया कि डॉक्टर राहत दौरी ने अपना कलाम खत्म कर दिया, जौहर कानपुरी साहब तशरीफ फरमा है, उन्हीं ने मुख्तसर कलाम पढ़ा, तो जाहिर है कि मुझे प्रोफेसर वसीम बरेलवी तक पहुँचना है। वो वसीम बरेलवी जिसे उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक शायर की हैसियत से असम्बली का रुकन बनाया है, काउंसिल का MLC नामना किया है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ लखनऊ की तरफ से। मैं उन्हें इस दो शेर का हुक्म है, दो शेर पढ़ के ज्यादा चाहूंगा, समाज फरमाइए के जबा से करते हैं। ये दूसरे दो शेर सुना दिए लाओ, समाज फरमाइए। मेरा सुखन, मेरा सुखन, मेरा लहजा बुरा लगेगा जरूर, मेरा सुखन, मेरा लहजा बुरा लगेगा जरूर, छुपा के मुझसे वो मुझको मगर पड़ेगा जरूर। और शेर नजर कर रहा हूं कि जो बात जिल्ले इलाही से तुम न कर पाए, जो बात जिल्ले इलाही से तुम न कर पाए, हमारा जैसा कोई सर फिरा कहेगा जरूर। दो शेर के बाद ड्राइवर साहब दो ही शेर होते हैं, साफ बल नहीं होते हैं। आइए हजरात, मैं अब उस शख्सियत के हुजूर पहुंच रहा हूं जिसने, देखिए गजल एक ऐसी जालिम सिर्फ सफल है कि जब इसे कब इल्म बेशऊ छूता है तो तमाम आयबों के साथ उस पर जाहिर होती है, लेकिन जब कोई जेल्म और बाशऊर शान उस गजल को छूता है तो वो हुस्न के साथ उस पर मुनकशिफ हो जाती है। गजल जिस फनकार पर मुनकशिफ हो गई है उस फनकार का नाम है वसीम बरेलवी, जिसने ये शेर कहा कि वो मुझे छोड़ के यूं आगे बढ़ा जाता है जैसे मेरा सफर खत्म किया हुआ जाता है, जिसने ये शेर कहा कि जैसे अब मेरा सफर खत्म हुआ जाता है, कि मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब वसीम बरेलवी से, अगला शेर मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर वसीम बरेलवी और पूरे लखनऊ की तरफ से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ इनके MLC होने पर जनाब अरमान खान की तरफ से। हजरात, ये लखनऊ है और लखनऊ में जिस तरीके से आज गुफ्तगू हुई है, हमारे रईस भाई ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया है, यकीनन इनकी खिदमात लखनवी तहजीब के लिए और लखनवी समाज के लिए इतनी हैं कि ये इतने गुस्से में बोलने का हक रखते हैं, और आपने पूरी रात उनकी बात का साथ दिया। ये वो नहीं बोल रहे थे बल्कि लखनवी तहजीब का सदियों का दर्द बोल रहा था जो उनकी निजामत के अंदर बार बार जाहिर हो रहा था। मैं इनकी हिम्मत के लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ, और आज ये अरमान साहब का सजाया हुआ मुशायरा, मैं भी तीन शेर पढ़ूँ या पांच शेर, ये बताइए। आप उस वक्त तक पढ़ेंगे जब तक अजान ना हो। मैं जिस मोहब्बत से मुशायरा किया गया है, जिस मोहब्बत की आबियारी के लिए मुशायरा किया गया, मैं पहले एक शेर पढ़ता हूँ उसके हवाले से, इसलिए कि हमारा मुस्तकबिल मोहब्बत से वाबस्ता है, नफरत हमारे लिए कोई भी खुशी का पैगाम नहीं ला सकती। मैं अर्ज करता हूँ, गजल की जुबान है, इशारा है, आप समझेंगे कि वो मेरे चेहरे तक
अपनी नफरतें लाया तो था। लखनऊ है, मुझे कुछ कहना नहीं है, सीधी सीधी जुबान में शेर पहुंचाऊंगा, अगर आप तक पहुंच गया तो मुझे अच्छा लगेगा। कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। दो शेर और नजर कर रहा हूं, ये इशारा भी आप तक पहुंचे कि खुशी का वादा सभी से किया गया है तो फिर, खुशी का वादा सभी से किया गया है तो फिर मेरे लबों को भी थोड़ी बहुत हंसी तो मिले। अभी मुझे लुत्फ नहीं आ रहा है, आप ही पैदा करेंगे लुत्फ मेरे पढ़ने में, कि खुशी का वादा सभी से किया गया है तो फिर मेरे लबों को भी थोड़ी बहुत हंसी तो मिले। तेरे चराग के बारे में मैं भी बात करूं मगर मुझे मेरे हिस्से की रोशनी तो मिले। तेरे चराग के बारे में मैं भी बात करूं मगर मुझे तेरे हिस्से की रोशनी तो मिले। बहुत शुक्रिया हजरात। अब एक शेर ये भी सुन लीजिए कि मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे, मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा ने, मुझको गुनाहगार कहे और सजा न दे इतना। मैं बिल्कुल तीन शेर नए हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं लगूंगा। मुलाना फरमाया पेश करता हूं कि पास मेरे था ही क्या, तूफान क्या ले जाएंगे, पास मेरे भेजा सुना पास मेरे था ही क्या, तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो डब, पास मेरे था ही क्या, तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, आप दरिया हैं तो क्या मुझको बहा ले जाएंगे। जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, आप दरिया हैं तो क्या मुझको बहा ले जाएंगे। और अब ये शेर बतौर खास आपकी नजर है, मुलाहिज़ा फरमाइए, अगर आपने सुन लिया तो मैं समझूंगा कि वही लखनऊ है, उसी लखनऊ में पढ़ रहा हूँ जहाँ से शायरी की इब्तिदा हुई थी, जहाँ से आप लोगों ने अखबार दिया था कि आप दरिया हैं तो क्या मुझको बहा ले जाएंगे, आप बस किरदार हैं अपनी हदें पहचानिए। बताना लखनऊ में शेर पढ़ा गया, आप बस किरदार हैं अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। रसिद भाई तशीफ लाए, आदान की आवाज आएगी, आपका आदान तक की जाए। मैं आपकी इजाजत हो तो जरा बताइए मुझे कि मैं पेश कर दूंगा आपको। मैं पेश करता हूँ जी के? जी बहुत अच्छा, वाह, ये मोहब्बत है, बड़ी आय बड़ी नवाजिश है, वाह। थोड़ी देर के लिए इजाजत दे दो, जो हजरात उठ रहे हैं उसे गुजारिश है कि दो तीन शेर मैं तरनों से पेश किए देता हूँ। है आप बैठ जाओ, बैठे प्लीज बैठ जाइए, कुछ हासिल करके जाएंगे अगर आप बैठ जाएंगे। मैं पेश करता हूँ तस्वीर के लिए हूँ, मैं मुझे पेश करता हूँ कि जरा सा खतरा कहीं आज अगर उभरता है, जरा सा खतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदर वही के लहजे में बात करता है। वाह 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 वाह, क्या कह रहा है, कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। अब ये शेर इसका किरदार आप हैं, मेरा साथ दीजिए शेर पढ़ने में। खुली छतों के दिए
शायरी सुनकर बताइए, मुशायरा सुनना तो और बात होती है। जरा सा खतरा कहीं आग अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। वाह यार, मिश्रा उठता था ना कि खुली खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता। वाह 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 वाह, क्या कहने वसीम भाई, वाह वाह। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। शराफतों की यहां कोई अहमियत ही नहीं, शराफतों की यहां कोई अहमियत ही नहीं। किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। वाह 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 वाह, शराफतों की यहां कोई अहमियत ही नहीं। वाह वाह, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। और दोस्तों ये शेर लहजा फरमाएं, बड़ी मोहब्बतें आपकी मिली हैं, बड़ी आप लोगों ने रात रात भर बैठकर मेरे शेर सुनने का इंतजार किया है। शायद उसी का सदका है कि जो छोटी सी हैसियत मुझे मिली है। मैं समझता हूँ कि ये उर्दू पर भी एहसान है, उर्दू वालों की मोहब्बतों का भी एतराफ़ है। और ये एतराफ़ मैं इस शेर में पेश करने की कोशिश करता हूँ कि किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है। जमी की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती। वाह, जमी की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती जब आसमान से कोई फैसला उतरता है। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। वाह 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 वाह, जमीन की कैसी निकालत वो फिर नहीं चलती जब आसमान से कोई टी शेर है करण से पढ़ता हूँ। इरशाद होते दुनिया दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है। वाह, दुनिया की हर, ये शेर अपने साथ लेकर जाइए, इंशाल्लाह जिंदगी संवर जाएगी अगर आपने जिंदगी में उतार लिया है। ये दुनिया की हर जंग वो ही लड़ जाता है। दुनिया की हर जंग वो ही लड़ जाता, जिसको अपने आप से लड़ना आता है। उसको अपने आप से लड़ना आता है। दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है। और पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। जाकर कुछ समझ में आता है। और तू क्या समझा, तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। तू क्या समझा, तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। देखिए मैं हूँ, मुझको संभलना आता है। देखिए मैं हूँ, मुशायरा लग रहा बस यहीं तक हो रहा। आप हजरात बैठे हुए तो बताइए कि आप बैठे हुए हैं। आखिरी शेर, चाहे फसाद का शिकार हो चाहे आतंकवाद का शिकार हो, जिस घर पर ये वक्त गुजरता है उस घर पर खुदा न करे कि ऐसा कोई वक्त गुजरे। मैं आखिरी शेर पेश करता हूँ कि तू क्या समझा, तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। देखिए मैं हूँ, मुझको संभलना आता है। जिस घर में बस
कमाने वाला वो सुने दोस्तों बताए उस सत्यनेश शेर के साथ कि जिस घर में मर जाए तो घर का घर मर जाए क्या कहना मर जाए तो घर का घर क्या कहना हजरत जैसे प्रोफेसर